कल यानी 4 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर तेजस्वी अपने राजनीतिक दोस्तों के साथ मिलकर नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी से आज इसी मुद्दे पर जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। मेरा पहला एक महिला होने के नाते आपसे सवाल यही होगा कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है उन बच्चियों को, उन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए। देखिए, आपने जिस प्रकार से कहा कि ये सिर्फ बिहार को ही नहीं हिलाने वाला हादसा हुआ है बल्कि पूरे देश को शर्मसार करने वाला ये काम हुआ है, ये महापाप अगर आप कहें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इस तरीके की दरिंदगी जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोगों के मदद से हो रही थी और उस आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा था और बिहार के मुख्यमंत्री की जो आपराधिक चुप्पी जो 3 महीने तक जो रही और जिस प्रकार से उनके मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट रहा, लगातार सरकार द्वारा पैसे दिए जाते रहे और उस पैसे का कोई हिसाब नहीं लिया गया और बच्चियों के जिस तरीके से जो जुल्म हुए वो आप रोआ कांप उठेगा। अगर आप 164 सेक्शन 164 का अगर बच्चियों का कोर्ट में जो स्टेटमेंट है अगर आप वो पढ़िएगा कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है और मैं इस चीज़ों को पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता। कल जंतर मंतर पर बिहार के मुजफ्फरपुर की इस लड़ाई को ले जाने का मकसद क्या है तेजस्वी यादव का? ये मकसद आप कह रहे हैं पॉलिटिकल नहीं है, क्या इसमें पॉलिटिकल नीयत नहीं है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, वो महागठबंधन के सारे नेताओं को आह्वान करके वहां बुलाना, क्या ये एक मुद्दा तेजस्वी यादव नहीं बनाना चाह रहे हैं? देखिए, हमने तो सब लोगों को न्योता दिया है, जिसको आना होगा वो आएगा, लेकिन आप ये बात समझिए कि आज सीबीआई जांच हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, ठीक है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग तो वही लोग हैं जिन्होंने संरक्षण देने का काम किया। आज एक ब्रजेश ठाकुर है, आगे कितने ब्रजेश ठाकुर आप देखना चाहती हैं? अपराधियों के मन में भय होगा कि नहीं होगा? इसी सवाल के साथ जंतर मंतर पर तेज नीति करते हुए नीतीश चाचा के खिलाफ नजर आएंगे तेज।